प्यारे फ्रेंचाइजी भाइयों, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी अपन 2021 के अंतिम पड़ाव पे हैं, अभी मात्र 7 दिन बाकी बचे हैं। तो वक्रांगी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्कीम लेके आए, जिसके अंदर आप 2021 की यादें सुनहरी बना सकते हैं, अंतिम 2021 के अंत को बहुत ही अच्छा बना के पूरी यादगार बना सकते हैं। हमने अभी 2 स्कीम्स लॉन्च की है, जिसके अंदर कि आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, जिप्फी बाय चॉइस है एंड एंजल वन की है। आप देखेंगे कि तो इंडिया के अंदर लगभग 7 करोड़ मात्र डीमैट अकाउंट हैं, टोटल 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 44 करोड़ समथिंग लगभग आपके पैन कार्ड हैं, 75 करोड़ समथिंग आपके बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। अगर आप वक्रांगी का इतिहास देखेंगे तो हमने 7 करोड़ से ज़्यादा आधार बनाए हैं। पिछले साल का अगर आप बैंक अकाउंट ओपनिंग का डेटा देखेंगे तो लगभग 38% करीबन बैंक अकाउंट वक्रांगी ने खोले हैं पूरे इंडिया के अंदर, जितने अकाउंट खोले हैं उसमें से। आप देखिए पूरे इंडिया में लास्ट ईयर जितने बैंक अकाउंट खोले हैं उसमें से 38% बैंक अकाउंट वक्रांगी ने खोले हैं। तो वक्रांगी के इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फील्ड के अंदर, जो टीयर 4, 5, 6 के अंदर अपनी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, तो इसके अंदर अपना बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अपने काफ़ी लास्ट 30 ईयर्स के अंदर काफ़ी काम किया है। अभी आप देखेंगे तो भविष्य में डिजिटल एरा आ रहा है, उस डिजिटल एरा के अंदर एक ये डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। ये बहुत एक कंपलसरी रहेगा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना आपका। अभी लोगों का रुझान शेयर बाजार की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, IPO की अप्लाई करने की तरफ काफ़ी जा रहा है। आप टीयर 4, 5, 6 में भी देखेंगे, अगर वेरियस रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे तो हर ग्राम पंचायत में लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास 57% वेल्थ को वो ऑन करते हैं, तो वो उसके अंदर 10% से लेके 25% तक के टारगेट कस्टमर्स, अपने टारगेट पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है कि जिनको कि डीमैट अकाउंट खोलना रहेगा और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना रहेगा। आप देखेंगे तो 29 करोड़ कंट्री के अंदर LIC पॉलिसी होल्डर्स हैं। आगे जाके 1-2 महीने के अंदर LIC का IPO आ रहा है, तो अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि IPO में कोई लोग, अपने गांव के लोग भी उसमें अप्लाई करें, अच्छे लोग, इसके अंदर बहुत अच्छा IPO रहने के चांसेज हैं इसके अंदर। तो 29 करोड़ में से हार्डली 2-3 करोड़ लोगों के डीमेट अकाउंट होंगे, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें लगभग 10 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलने की स्कोप है, तो इसमें से अपन चाहेंगे कि अपन भी इसके अंदर से पूर्ण भारत निर्माण में योगदान देवें। आप लोगों के लिए बिजनेस एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें अभी तक की अपन ने 30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी इंसेंटिव्स स्कीम्स लॉन्च की है। इसमें आपके द्वारा आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिसके पास नॉन नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र है, खाली 7 दिन में मेहनत करके उसको नेक्स्ट जेन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपेक्स के अंदर इसमें के जितना पैसा कमा सकता है। जिसके पास ATM नहीं है वो ATM का पैसा कमा सकता है। जहाँ वर्किंग कैपिटल की समस्या है वो उसको इसके थ्रू दूर कर सकता है। अब हम वक्रांगी मैनेजमेंट चाहता है कि आपको किसी तरह का कोई लोन नहीं लेना पड़े। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसको भी आप चुका दें। उसके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, खाली आप अभी से आज से ही प्रण कर लें और इसको पूरे दोनों स्कीम्स को आपके जो फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं उनसे समझ के, और आपके स्टेट्स के अंदर जो कर्मचारी हैं वक्रांगी उनसे समझ के आप इसको आगे बढ़ें। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल आप बिगेस्ट धमाका है इस साल का अंत का। इस अंत आप पूरा अंत बहुत अच्छा सुंदर कर सकते हो। इसके थ्रू आप वेरियस स्कीम के थ्रू एनरोलमेंट कर सकते हो। आप 1-2 दिन के अंदर पूरे सब लोग इसको समझ के नेक्स्ट वीक के अंदर मास एनरोलमेंट डे कर सकते हैं, मास लॉगिन डे कर सकते हैं। आपके अंदर एक पूरा कैंप लगा सकते हैं। अपने वक्रांगी का इतिहास रहा है कि अपने आधार में बहुत सारे कैंप लगाए हैं, या गवर्नमेंट की वेरियस बैंक अकाउंट, जनधन योजना अकाउंट के अंदर भी अपने कैंप लगा के इतने बड़ा काम किया है। ये बहुत छोटा काम है अपन लोगों के लिए, अब वक्रांगी के लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अपन इसके अंदर एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, इंडिया के नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। इसके अंदर आप अपना पूरा गांव के अंदर जानकारी दे सकते हैं, वेरियस कैंप लगा सकते हैं, लीफलेट बंटवा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं, बैनर्स लगवा सकते हैं, या आप अपने अपने हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर एक वक्रांगी दोस्त अपॉइंट कर सकते हैं। आपके वहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स रहेंगे या कोई बेरोजगार व्यक्ति रहेगा, उसके साथ उसको आप वक्रांगी दोस्त बना सकते हैं। उसका दोस्त बना के आपको जो कमीशन मिल रहा है उसमें से सर्टेन परसेंटेज 20-25% कमीशन उसको शेयर करके वो रेगुलरली आपके साथ काम कर सकता है। वो सिटीजन्स को आपके वक्रांगी केंद्र में भी भेज सकता है।
ये अभी भारत इजी ऐप अपन ने लॉन्च कर दिया है। भारत इजी ऐप से पूरे पूरे इंडिया में वो कहीं से भी बैठ के जिफी बाई चॉइस और एंजल वन का जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरा वक्रांग की टॉप मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा और हम लोग इसमें 7 दिन सीरियसली पूरा आपके साथ फुल सपोर्ट करेंगे। तो उसी तरह से मुझे आप पे विश्वास है कि आप सब लोग 7 दिन पूरी ताकत लगा के इस पर काम करके इसको 2021 के अंतिम पड़ाव को एक यादगार पड़ाव के रूप में माना जाएगा। मैं अब आगे के लिए अमित सबरवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाकी के बैलेंस ट्रेनिंग और पूरे प्रोडक्ट के ऊपर बारा समझाए और मैं अंत में वापस आपसे मेरी क्रिसमस करता हूँ और नए वर्ष की एडवांस में शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट से अपन वास्तव में अपने लिए एक नया वर्ष जो आवे वो शुभकामनाओं के अपन सुंदर सुंदर आवे। धन्यवाद। नमस्कार सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, जैसे कि दिनेश जी ने आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए ये बताया कि वक्रांगी ने जो नई सर्विस चालू की है डीमैट और स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग की, ये सर्विस में हमने दो पार्टनर्स के साथ टाई अप किया है। एक है जिफी बाय चॉइस ब्रोकिंग और एक है एंजल ब्रोकिंग। जिफी बाय चॉइस ब्रोकिंग की सर्विस ऑलरेडी VKMS और भारत इजी ऐप में ऑलरेडी लाइव हो चुकी है और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस अगले 1 या 2 दिनों में ये लाइव होने वाली है। तो आइए जानते हैं इन सर्विस के बारे में और इन्हें कैसे VKMS द्वारा या भारत इजी सुपर ऐप द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। इसकी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल की एक ये प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को इसमें काफ़ी सहूलियत रहे और इसमें काफ़ी आपकी ट्रेनिंग हो जाए। या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने FRMs के बात कर सकते हैं, उनसे फिर से समझ सकते हैं। प्लस इसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर है। इसके बारे में भी VKMS में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, प्लस अपने FRM से आप बात करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो जिफी बाय चॉइस ब्रोकिंग की जो अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है डीमैट और स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ये कस्टमर के लिए बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं है, अकाउंट ओपनिंग पे कोई चार्जेस नहीं है। ये कंप्लीट पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है, इसमें ना तो कोई फिजिकल कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है अगर कस्टमर के पास उसके KYC डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस है। इसमें केवल 3 मेजर KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि है आधार कार्ड, पैन कार्ड और तीसरा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के पास हैं तो कस्टमर को इसके अलावा केवल अपना मोबाइल नंबर और email ID की रिक्वायरमेंट है। इसी में इसका 5 से 7 मिनट में कस्टमर का अकाउंट खोला जा सकता है। कस्टमर को इन सर्विसेज में काफ़ी सारे एक्सेस मिलते हैं, जैसे कि वो इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं जिफी ऐप से, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, IPO में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सभी लोगों का काफ़ी रुझान है नए IPOs में और सबसे बड़ा IPO जो अगले साल के शुरुआत में आने वाला है वो है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। तो काफ़ी सारे LIC के पॉलिसी होल्डर्स भी इंटरेस्टेड रहेंगे इस IPO में निवेश करने के लिए। तो एक अच्छा मौका है हमें कि ये सारे कस्टमर्स तक ये सुविधा प्रोवाइड की जा सके Tier 2 to Tier 5-6 टाइप के लोकेशंस में। ब्रोकरेज काफ़ी कम है इसमें, केवल 2 पैसे का ब्रोकरेज है, 0.02% है। और इसमें सभी फंडामेंटल रिसर्च कॉल और टेक्निकल कॉल्स फ्री है जिफी ऐप में कस्टमर्स के लिए, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं है इस सर्विस में। तो आप जब भी कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं है इसमें, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो ये ऐसी एक सर्विस है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हो बिना कोई निवेश के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई वर्किंग कैपिटल के। तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं अगर आप अच्छे से इस पे फोकस करें, बराबर टारगेट कस्टमर पे फोकस करें जिनके पास ये प्रॉपर KYC डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हो, जिनका रुझान हो शेयर बाजार में और IPO में निवेश करने का। सर्विस कम्प्लीटली, अकाउंट ओपनिंग की सर्विस कम्प्लीटली पेपरलेस डिजिटल है, 5 से 7 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। IPO में निवेश करना काफ़ी आसान हो जाएगा कस्टमर्स को, लो ब्रोकरेज चार्जेस हैं कस्टमर को और अच्छी खासी कमीशन है फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को। एंजल की भी सिमिलर सर्विस है, एंजल ब्रोकिंग की सर्विस आज या कल में लाइव हो जाएगी।
उसमें भी अकाउंट ओपनिंग पे कोई चार्जेस नहीं है, उसकी भी प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल है। उसमें भी आईपीओ और म्यूचुअल फंड दोनों में आप निवेश कर पाएंगे एंजल वन की ऐप से। उसमें भी ब्रोकरेज चार्जेस काफी कम है और डिलीवरी ट्रेड्स पे कोई चार्जेस भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसकी सर्विस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वीकेएमएस द्वारा। जैसे कि मैंने कहा, ये सर्विस वीकेएमएस प्लस भारत इजी ऐप, ये दो जगहों से आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो पहले जानते हैं वीकेएमएस का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। अगर आप जाएंगे अपने वीकेएमएस में लॉगिन करेंगे, तो वीकेएमएस में फाइनेंशियल सर्विसेज टैब है, उसमें चॉइस करके लिंक है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करें तो आपका पेज खुल जाएगा जहां पे कस्टमर का बेसिक डिटेल्स भरने हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जैसे ही आप नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के सबमिट करेंगे, और चॉइस का पेज ओपन अप हो जाएगा। जिफी चॉइस का पेज ओपन अप हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग का, जिसमें केवल आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सिलेक्ट करके प्रोसीड का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे, तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें तीन ही मेजरली केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आप कस्टमर अपना पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डालेगा, उसके बाद करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो इसमें आप कस्टमर को अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। इसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कस्टमर से बात करके उनका ऑक्यूपेशन भर के इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें ओटीपी आएगी आप कस्टमर के मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, तो दो जगह पे ओटीपी जाएगी, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। ये दोनों ओटीपी को आपको वेरीफाई करवाना है। जैसे ही आप ये दोनों ओटीपी को भर के तो डिजी लॉकर का कनेक्ट का स्टेप आ जाएगा। डिजी लॉकर देखिए एक ऐसा चीज है जो जिसके पास आधार है उसका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिजी लॉकर का कनेक्शन ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है। तो अगर किसी को डिजी लॉकर वाले स्टेप में एरर आ रहा है या इसमें कोई भी इशू आ रहा है, तो इसमें आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है मैनुअल वेरिफिकेशन का, जिसमें आप मैन्युअली भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। लेकिन 90% पब्लिक को, 90% कस्टमर्स को कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि डिजी लॉकर नॉर्मली सभी का जिनका आधार बना हुआ है उनका कनेक्ट विद डिजी लॉकर स्टेप काफी स्मूथ हो जाता है। तो जैसे ही आप डिजी लॉकर में जाके आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन में कस्टमर को अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो एक ओटीपी आ जाएगा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे। तो आधार का मोबाइल नंबर लिंक होना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई कस्टमर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो उसे ये कराना रहेगा, क्योंकि सारे ओटीपी आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पे ही जाएंगे। तो जैसे ही ये ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे डिजी लॉकर वाले स्टेप में, तो इसमें आपको प्रोसेस करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ही आप अलाउ करके प्रोसीड करेंगे, तो इसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड, कस्टमर को अपना पैन कार्ड डाल के डिटेल्स फेच करनी है। जैसे ही आप कस्टमर के पैन कार्ड डिटेल्स इसमें डाल के, तो पूरा आपका पैन और आधार दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी को इस डिजी लॉकर वाले स्टेप में, जो हमने पिछले तीन स्टेप बताए, अगर डिजी लॉकर वाले स्टेप्स में कहीं पे भी एरर आ रहा है, कहीं पे भी इशू आ रहा है, तो आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप मैनुअल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। आप मैनुअल वेरिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। इसमें अगला जो स्टेप है वीकेएमएस, जो कि एक लैपटॉप बेस्ड ऐप है, डेस्कटॉप बेस्ड ऐप है, तो इसके अंदर आप कस्टमर को अपनी सेल्फी लेके अपलोड करनी है। तो इसमें आपको अपने लैपटॉप पे कैमरा एक्सेस और लोकेशन एक्सेस देना रहेगा। भारत इजी मोबाइल ऐप में ये स्टेप सिंपलर है, क्योंकि भारत इजी मोबाइल ऐप है और उसमें बाय डिफॉल्ट मोबाइल का कैमरे की सेटिंग्स रहती हैं। लेकिन आपको अपने लैपटॉप में वीकेएमएस के लिए भी ये वन टाइम एक्टिविटी है। जैसे ही आप एक बार ये सेटिंग्स को सेट कर लेंगे, तो अगली बार से आपको अगले अकाउंट ओपनिंग में कोई इशू नहीं आएगा। तो ये खाली वन टाइम है जहाँ पे आपको इसकी सेटिंग्स ठीक करनी है, जहाँ पे आपको इसमें एक्सेस देना है लोकेशन और कैमरा का। जैसे ही आप इसे एक्सेस दे दें, तो कस्टमर की सेल्फी लेके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट, तो तीसरा जो अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो तीसरा केवाईसी रिक्वायरमेंट था, बैंक अकाउंट डिटेल्स भर के आप नेक्स्ट बटन दबाते हैं। फिर इसमें एक स्टेप आता है जहां पे कस्टमर को एक प्लेन व्हाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर लेना है और उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये स्टेप जैसे ही अगर आप
सिंपल है, बस कोई भी एक प्लेन व्हाइट पेपर पे कस्टमर अपना साइन करके उसको स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे ही आप ये करते अगला स्टेप आता है इनकम प्रूफ का। इनकम प्रूफ जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, ये स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल चीज है, अगर आपको स्किप करना आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें आपको एएमसी प्लान लेना है, इसमें आप एनुअल एएमसी प्लान ले सकते हैं। एनुअल एएमसी प्लान अगर आप देखेंगे तो पहला 12 महीने, पहला साल कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं है, फ्री एएमसी है। अगर 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर उनके अकाउंट में शेयर हैं तो उन्हें 200 रुपये प्लस जीएसटी, करीबन 240 रुपये का एएमसी चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे आप प्लान सिलेक्ट करके सबमिट सकते हैं। फिर आप अपना सारे डिटेल्स, कस्टमर के सारे डिटेल्स एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप रिव्यू करेंगे और फाइनल पे जाएंगे तो ये आखिरी स्टेप आता है ई साइन वाया आधार। तो एक और बारी आधार से आपको ई साइन कर ऑथेंटिकेट करना है। तो जिसमें आप जैसे ही प्रोसीड फॉर ई साइन पे बटन पे जाए उसके आगे आपको क्लिक ऑन साइन नाउ करना है। साइन नाउ के बटन पे क्लिक करके प्रोसीड, जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर डालना है। आप आधार नंबर डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, सो कस्टमर फिर से उनके मोबाइल नंबर पे, लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप डालेंगे यहाँ पे तो आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये काफी सिंपल जर्नी है एक अकाउंट ओपनिंग की। इसमें अगर आपके पास 3 केवाईसी डॉक्यूमेंट जो कि है कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और कस्टमर के पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर ये चीजें इन प्लेस हैं तो इसको केवल 5 से 7 मिनट लगेंगे कंप्लीट होने में। जैसे ही ये मैसेज आता है इसके 48 घंटे में, 48 आवर्स में कस्टमर को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद कस्टमर जिफी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकता है और उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी सिंपल प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे इसमें अभी जो दूसरा तरीका है वो है भारत इजी मोबाइल ऐप का। तो अकाउंट ओपनिंग का जो दूसरा तरीका है, पहला तरीका था वीकेएमएस द्वारा और दूसरा तरीका है भारत इजी मोबाइल ऐप द्वारा। मोबाइल ऐप में कस्टमर को सबसे पहले भारत इजी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। हमने इस प्रेजेंटेशन में इसका लिंक भी दिया है। ये प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के साथ हमने शेयर की हुई है, ये प्रेजेंटेशन हमने वीकेएमएस में भी अपलोड की हुई है। तो सबसे पहले कस्टमर को भारत इजी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर। फिर जैसे ही कस्टमर को इसमें भारत इजी में साइन अप करना है, जहाँ पे उसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड सेट करना है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए ये है कि जब भी कस्टमर भारत इजी ऐप में अपना साइन अप करता है तो उसमें रेफरल आईडी में आपका वीके आईडी, आपका फ्रेंचाइजी वीके आईडी डालना ना भूले, क्योंकि तभी ही ये कस्टमर आपके साथ टैग हो पाएगा, तभी ये कस्टमर आपका कस्टमर माना जाएगा। अगर बाय कोई कारण, अगर किसी भी कारण अगर उसने ये वीके आईडी नहीं डाला रेफरल आईडी में तो वो कस्टमर आपका कस्टमर नहीं माना जाएगा। तो मेरी आप सबसे विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपके कस्टमर हैं जो भारत इजी ऐप डाउनलोड करते हैं और इसको साइन अप करते हैं, वो इस रेफरल आईडी में आपका फ्रेंचाइजी वीके आईडी जरूर डालें ताकि वो कस्टमर आपके साथ टैग। उसके बाद होम स्क्रीन पे कस्टमर को एक ट्रेडिंग अकाउंट करके आइकन दिखेगा जिसे उनको प्रेस करना है, और उसके बाद एक पेज खुलेगा जिनमें, जहाँ पे उन्हें चॉइस की बेसिक अगेन डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और सबमिट प्रेस करना है। जैसे ही आप ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम डाल के सबमिट करेंगे तो सेम जिफी वाला पेज मोबाइल पे खुल जाएगा। तो वो सेम प्रोसेस अब मोबाइल पे आएगा। मोबाइल पे सहूलियत ये है, सिंपल चीज़ ये है कि मोबाइल पे आपको सेल्फी लेना, साइन का फोटो लेना और ये चीजें करना आसान है। लोकेशन की एक्सेस देना आसान है क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं मोबाइल में, मोबाइल के कैमरे में एक्सेस हो जाता है, जिससे कि ये स्टेप्स में आपको कोई चैलेंज नहीं आता। बाकी प्रोसेस सेम है, आपको अपना पैन कार्ड डालना है, आधार से ऑथेंटिकेट करना है, डिजी लॉकर वाला स्टेप करना है, सेल्फी लेनी है, साइन का अपलोड करना है और फाइनली आधार से ऑथेंटिकेट करके ई साइन करके क्लोजर करना है। प्रोसेस सेम है, भारत इजी द्वारा हो या वीकेएमएस द्वारा हो।
फाइनल जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, उसके 2 दिनों के अंदर अंदर कस्टमर को उनके लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे सक्सेसफुल होने पे, और वो जिफी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। अगर आप देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट है और जो FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी को हमने VKMS में अपलोड किया हुआ है। तो माई VKMS में आप जाके, माई डाउनलोड में जाके फाइनेंशियल सर्विसेज सिलेक्ट करके उसमें चॉइस ब्रोकिंग अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी VKMS में अवेलेबल है। प्लस हमने मार्केटिंग मटेरियल भी इसका बनाया हुआ है जिसको हमने VKMS में अपलोड किया हुआ है। तो हमने लीफलेट प्लस बैनर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी भाषा में मार्केटिंग मटेरियल बनाया हुआ है जिसे हमने माई VKMS में, माई डाउनलोड में, मार्केटिंग कैंपेन में, मार्केटिंग कोलैटरल में अपलोड किया हुआ है। वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इनका आप प्रिंट करवा के लोकल एरियाज में लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, या तो आप डिजिटली इन्हें अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने कस्टमर ग्रुप्स पे भेज सकते हैं ताकि ये मार्केटिंग इनिशिएटिव आप अपने लेवल पे, लोकल एरिया लेवल पे इसे कर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो, कैसे आप मास स्केल पे 200 से 500 अकाउंट खोल सके अगले 1 हफ्ते में, अगले 10 दिनों में। इस पे हमारा काफ़ी फोकस है और हमने ये अपने सारे पूरे इंडिया के फ्रेंचाइजीज को स्टडी करके 2 स्ट्रेटेजीज निकाली हैं जो काफ़ी फ्रेंचाइजीज ने यूज़ की हैं, सक्सेसफुली यूज़ की हैं। इन्होंने काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज ने 100 से ऊपर अकाउंट एक ही दिन में खोले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया है जिसको आप भी रेप्लिकेट कर सकते हो, जिसको आप भी अपने लोकल एरिया में कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अभी अगले 1-2 दिन पहले तो प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लीजिए, 10 से 20 अकाउंट खोल लीजिए। आपको प्रोसेस एक बार ही पूरी तरह से समझ जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तब तक एक 200 से 500 कस्टमर्स की एक टारगेटेड लिस्ट बना लीजिए। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास KYC डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको शेयर बाजार में इंटरेस्ट है, जिनको IPOs में निवेश करना है, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं और उन्हें LIC के IPO में निवेश करने में इंटरेस्ट रहेगा। वैसे आप कस्टमर्स को फोकस कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको मार्केटिंग मटेरियल भेज के एक अवेयरनेस जनरेट कीजिए और उनको अगले हफ्ते के लिए कैंप या एक इवेंट में बुलाइए। तो आप एक पूरा एक कैंप बनाइए या एक महा अकाउंट ओपनिंग इवेंट रखिए अगले हफ्ते में, जहाँ पे आप एक साथ सभी लोगों को बुला के 1 या 2 दिनों में सारे अकाउंट आप खोल सकें। दूसरा जो एक तरीका है वो है कि आप अपने लोकल एरिया में, लोकल आजू बाजू के मोहल्ले में, आपके आजू बाजू के गांव में या आपके नियर बाय विलेजेस में, वहां पे आप एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आप लोकल एजेंट्स को हायर कर सकते हैं, अपने साथ बना सकते हैं और इनको आप ट्रेन कर सकते हैं भारत इजी ऐप पे, क्योंकि भारत इजी ऐप एक ऐसा जरिया है जहाँ पे पूरे देश भर में कोई भी कस्टमर कहीं पे भी हो, अगर वो आपका रेफरल आईडी में आपका VKID डालता है और अगर अकाउंट ओपन होता है तो उसका कमीशन आपको दिया जाएगा और वो कस्टमर आपके साथ टैग किया जाएगा। तो ये जो आपके अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग एरिया में या अलग अलग गाँव में, आजू बाजू के गाँव में अगर आपके कुछ ये लोकल एजेंट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं और इनको अगर आप पूरी तरह से ट्रेनिंग दे देते हैं तो ये आपके बिहाफ पे उस एरिया में अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और कस्टमर्स को भारत इजी ऐप द्वारा ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। उसमें खाली इतना ध्यान देना है कि फ्रेंचाइजी VKID, आपका जो VKID है वो भारत इजी में साइन अप होने के वक्त, कस्टमर का साइन अप होने के वक्त रेफरल आईडी में आपका VKID जरूर डालें। आप इंटर्न इसके बदले में आप अपने ये इस लोकल एजेंट के नेटवर्क में, जिनको हम वक्रांगी दोस्त कहते हैं, इन वक्रांगी दोस्तों को आप कुछ ना कुछ कमीशन अपने शेयर में से शेयर कर सकते हैं, 15% से, 25% से, 50% आपके ऊपर है आप कैसे उन्हें मैनेज करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा तरीका है जिससे कि आप की बैंडविथ इंक्रीज हो सकती है आप, क्योंकि आप तो खुद केंद्र में हैं, आप VKMS में बैंकिंग भी कर रहे हैं, दूसरी सर्विस भी कर रहे हैं, तो आपकी बैंडविड्थ और आपका टाइम लिमिटेड है। लेकिन ये आपका नेटवर्क जो है ये आपके लिए अच्छा बड़ा काम कर सकता है।
आपको खाली इन्हें ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग बराबर से देनी है, प्रोडक्ट के बारे में बराबर से बताना है और इंश्योर करना है कि ये अच्छे से समझा के कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सके। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है जिससे कि आप बड़े नंबर्स अचीव कर। कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी आपको डाउट हो, कभी भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कीजिए, अपने एफआरएम को कॉल कीजिए या अपने स्टेट हेड से बात कीजिए। अगर आपका क्वेरी रिजॉल्व नहीं होता, अगर आपका कंसर्न रिजॉल्व नहीं होता, तो आप स्पोक की डिटेल्स ले सकते हैं। मिस्टर सुरजील खत्री, उनका ईमेल आईडी हमने दिया है, surjeelk@vakrangi.in, इस पे आप मेल कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द इस पे जवाब देंगे और आपकी सारी कंसर्न या क्वेरीज को रिजॉल्व करें। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाता है या कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, तो उसके 48 आवर्स में, 2 दिनों के अंदर अंदर कस्टमर को आईडी और पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे रजिस्टर्ड ईमेल पे। उसको जिफी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ये उसकी लिंक दी हुई है, वो जिफी ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकता है। और फिर उसे ट्रेड करने में भी कोई सहायता चाहिए, कुछ समझना है, तो जिफी का भी कस्टमर केयर नंबर हमने दिया हुआ है, वो उस पर भी कॉल कर सकता है। या हम भी इसकी ट्रेनिंग अगले हफ्ते आपको देंगे कि इसमें भी कैसे ट्रेडिंग होती है, ताकि आप भी अपने कस्टमर्स को अगर समझाना चाहें तो आप समझा सकेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि एक ऐसी सर्विस है जिसमें काफी इंटरेस्ट है लोगों का, इसमें काफी पोटेंशियल है, इसका पेनिट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आपने, जैसे सर ने भी बताया है या मैं भी बताना चाहूंगा, कि पिछले 1 साल में 40% नए अकाउंट्स, नए डीमैट अकाउंट्स या स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स Tier 2+ शहरों में खुले हैं, मतलब Tier 2 या उसके बिलो के शहरों में खुले हैं। तो काफी इंटरेस्ट है, आईपीओ में काफी लोग निवेश करते जा रहे हैं, काफी लोगों को अभी इस पे फोकस हो गया है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ता जा रहा है, तो काफी लोगों का शेयर बाजार में और आईपीओ में इंटरेस्ट है। तो ये सर्विस आगे आने वाले समय में काफी बड़ी होने वाली है, तो आप फर्स्ट मूवर बन सकते हैं अपने एरिया के, आप पहले संचालक बन सकते हैं अपने एरिया के, जो इस सर्विस पे फोकस करेंगे, इसको सभी जगह पे अवेयरनेस करेंगे। कस्टमर्स के लिए सर्विस फ्री है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, आपका ना तो कोई वर्किंग कैपिटल लग रहा है, ना तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट लग रहा है। इसमें से आराम से आप 1-2 लाख रुपए हर महीने बना सकते हैं, अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे इस पे। और इसमें काफी अच्छे इंसेंटिव्स हैं, अपने एफआरएम से बात कीजिए और समझने के लिए। वीकेएमएस में भी इसकी काफी सारी डिटेल शेयर कर चुके हैं, उस पर भी फोकस कीजिए। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्विस आप अच्छे से समझ लीजिए, इस पर फोकस कीजिए और इस पर आप अच्छे नंबर्स ले सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़वा सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपांशन कर सकते हैं और इस कमीशन से आप नए एटीएम सेटअप कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो काफी अच्छा मौका है आप सभी का कि आप लोगों को एक अच्छी आमदनी की एक ये नई जरिया मिल चुका है। तो मेरी बस सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे प्लीज आप फोकस कीजिए और ये सर्विस को अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।